चलो भाई स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज बेसिकली हमने पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। उससे पहले थोड़ी सी बात करेंगे, बेसिक सी बातें करेंगे मोशन के बारे में कि मोशन होता क्या है। बेसिकली मोशन कब हम किसी चीज को बोलते हैं कि ये चीज मोशन में, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज देखें। क्या बोला मैंने, कभी भी हम जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर मैं टाइम की बात करूं, कोई चीज 12 बजे यहां थी, कोई चीज 12 बजे यहां थी, तो क्या वही चीज 12 बजे यहां हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमारे को किसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं तो कुछ टाइम बाद 12:10 पे कोई चीज आपको यहां दिख रही है, यानी कि इसमें क्या हुआ है? मोशन हुआ है। इसमें हमारे को क्या देखने को मिल रहा है? मोशन देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और सेकेंड चीज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम कैसे देखेंगे चीजें? अगर मैं अर्थ ले लूं और अर्थ पे कहीं ना कहीं मैं यहां प्रेजेंट हूं, अब अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ रोटेट भी कर रहा है, रेवोल्यूट भी कर रहा है। लेकिन जब मेरी पोजीशन क्या थी, जब मैं अर्थ पे ही प्रेजेंट था, जब मेरी पोजीशन यानी कि मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर हूं। ऑब्जर्वर की पोजीशन कहां पे है? अर्थ पर ही है। अब जब भी ऑब्जर्वर की पोजीशन अर्थ पे, क्या वो उसकी रोटेशन या रेवोल्यूशन को फील कर पाएगा? क्या वो देख पाएगा अर्थ की रेवोल्यूट कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है? नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसे रेस्ट पे है, तो आप मोशन को देख पाए? नहीं देख पाए। लेकिन वहीं पे अगर मैं मून पे चल जाऊं, कहूं मैं अब मून पे हूं, मून से मैं क्या कर रहा हूं? मून से मैं अर्थ की रोटेशन देख पा रहा हूं, उसकी रेवोल्यूशन देख पा रहा हूं, बेसिकली उसमें मोशन देख पा रहा हूं। तो बेसिकली पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप मोशन को देख सकते हो अगर आपके ऑब्जर्वर की पोजीशन उस टाइप की है जहां पे आपको मोशन देखने को मिल रहा है। हम मोशन की जब बात कर रहे हैं तो मोशन भी बेसिकली काफी टाइप के, जैसे कि सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, सपोज कर लो गाड़ी है। क्या है यहां पे? गाड़ी है। अब एक गाड़ी क्या कर रही है? एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। एक चौक से निकली, दूसरे चौक तक उसको कैसा मिला पाथ? स्ट्रेट पाथ मिला। अब जब ये एक ही डायमेंशन में चल रही है, ना इसकी पोजीशन में बेसिकली ना ये टर्न ले रही है ना कुछ कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, तो उस टाइम जो मोशन होगा वो होगा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, एक वन डायमेंशन पाथ को फॉलो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। बात समझ आई? इतनी बेसिक सी बात थी, स्कूल टाइम में आपने सारी चीजें पढ़ रखी है। बड़े आगे नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है या फिर एक एक्सिस के अराउंड, ये एक एक्सिस है, इसके अराउंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, रेवोल्यूट कर रहा है। इसके अराउंड क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। एक एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है? वो स्पिन कर रहा है। तो जो मोशन हमारे को देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन या फिर एक्सियल मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस चीजों को समझो, छोटी छोटी चीजें हैं। नेक्स्ट मोशन है हमारे पास जो, उसको क्या बोला जाता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लो ये इसका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। ये क्या है? इसका फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस पॉइंट से ये कैसा मोशन कर रहा है? टू एंड फ्रो। कभी यहां आ गया, अब ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे। कभी यहां को भग गया। लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, यहां से क्या दिखा रहा है? कभी इधर को आ रहा है, कभी इधर को आ रहा है। इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में,
एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जब ये टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन दिखाएगा तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। बात समझ आई कि नहीं? जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट था, यहां से टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ ऐसा मोशन जब भी दिखाएगा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में, एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उस मोशन को क्या कहा जाएगा, ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। दोनों में से कुछ भी बोलो। वाइब्रेशनल मोशन होता क्या बेसिकली, टू एंड फ्रो। जब भी हम टू एंड फ्रो की बात करते हैं हमारे दिमाग को क्या स्ट्राइक करता है, वाइब्रेशन। ऐसा है कि नहीं? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड पॉइंट से टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेशनल मोशन। फिर एक नेक्स्ट मोशन है जिसको क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, अब पीरियोडिक मोशन क्या है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? हाँ भी आयुष, क्या होता है पीरियोडिक मोशन? देखो पीरियोडिक मोशन बेसिकली क्या है, जब भी कोई चीज, जैसे कि मैं बात करूं मंडे है, हमारे को पता है 7 दिन बाद फिर क्या आएगा, मंडे आएगा। ऐसा है कि नहीं? ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेनसडे आता है। आपका बर्थडे, आपका जो बर्थडे है वो एक साल में क्या करता है, रिपीट करता है कि नहीं करता, हर साल आता है कि नहीं, एक साल बाद आएगा, ये चीज पता है आपको। फिक्स्ड इंटरवल है इसका कि नहीं? और दिन के बाद क्या आती है, रात आती है, और रात के बाद फिर क्या आता है, दिन आता है। क्या ये एक फिक्स्ड इंटरवल में है? क्या मंडे 7 दिन बाद ही मंडे आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या ट्यूसडे 1 दिन बाद उसके वेनसडे आएगा कि नहीं आएगा? बर्थडे 1 साल बाद फिर बर्थडे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई, दिन के बाद क्या रात आएगी और रात के बाद फिर से दिन आएगी कि नहीं आएगा? ऐसा तो है नहीं कि ये 24 घंटे नहीं, इनको 50 घंटे लग गए आते आते, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि आज रात चंदा मामा बोल दे कि नहीं मैं आज थोड़ा लेट आऊंगा, मुझे बीमार हो गया हूं मैं थोड़ा सा, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो इनका क्या है बेसिकली, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड टाइम के बाद इन्होंने क्या करना है, रिपीट करना ही करना है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जब भी कोई पीरियोडिक मोशन, जब भी कोई चीज एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, तब उस मोशन को क्या बोला जाता है, पीरियोडिक मोशन। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई? बड़े आगे। अब पीरियोडिक मोशन में ही अगर मैं बात करूं तो इसका ही सब पार्ट क्या है, इसका ही सब पार्ट है ये ऑसिलेटरी मोशन। हमने पीरियोडिक मोशन में क्या पढ़ा कि एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या है, एक फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन दिखाएगी एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में, उसको रिपीट करती रहेगी, अपनी ऑसिलेशन को क्या करती रहेगी, अपनी साइकिल को क्या करती रहेगी, रिपीट करती रहेगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? इसको हमने क्या बोल दिया था, ऑसिलेटरी मोशन। तो एक ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, और एक ऑसिलेटरी मोशन ही क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दी तो हमने इसको क्या बोल दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ आई कि नहीं? पहले पीरियोडिक मोशन था, पीरियोडिक मोशन में हमने कुछ चीजों को अलग किया, कुछ चीजें देखी, तो हमने उनमें से क्या बना दिया,
ऑसिलेटरी मोशन कि कोई एक पॉइंट से क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ऑसिलेटरी मोशन। फिर ऑसिलेटरी मोशन में हमने कुछ स्पेसिफिकेशंस करी, जब हमने इसमें स्पेसिफिकेशंस करी तो हमारे को क्या मिल गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं, यहां तक बात समझ आई कि नहीं है? बड़े आगे, बड़े आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या बेसिकली? देखो पेंडुलम देखिए, आपने हमने देखी होगी, इसके ऊपर क्या मिलता है आपको, एक रिजिड सपोर्ट मिलती है जहां से एक लंबी सी थ्रेड हुई, इस थ्रेड में क्या लगा होगा नीचे, बॉब मेटल की, ये क्या है, बॉब है। बात समझ आएगी? अब ये क्या करती है, इसका आपने मोशन देखा होगा तो कुछ इस टाइप से मोशन दिखाती है, कभी इधर को जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, एक इस पोजीशन पे आएगी, फिर यहां से जाएगी कभी इधर को, फिर इस पोजीशन पे आ जाएगी, ऐसा है कि नहीं? देखा है आपने ये चीजें? बात क्लियर है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं? हो क्या रहा है बेसिकली यहां पे, है तो ये क्या, ऑसिलेटरी मोशन ही है। एक फिक्स पॉइंट से क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, कभी इधर जा रही है, फिर यहां पे वापस आ रही है इधर, फिर इस पोजीशन पे जा रही है, फिर यहां वापस आ रही है, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? कुछ इस टाइप से आपको देखिए पोजीशन देखने को मिलेगी। अब ये है तो ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन हम इसको SHM कब बोलेंगे, अब सुनना। मान लो कि यहां से ये यहां तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x है, यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x, तो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, x होगी। अब मैंने क्या किया, या फिर SHM क्या चीज बोलता है, अब ध्यान से सुनेंगे भाई, SHM ये बोलता है कि मैंने जब एक्सेलरेशन बढ़ाई, कोई चीज यहां से यहां तक ट्रेवल कर रही थी, बात क्लियर है, यहां से कोई चीज यहां तक क्या कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी, अब यहां से यहां जाके स्टॉप हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसको वापस कौन लाएगा, कोई फोर्स होगी, कोई फोर्स होगी, और फोर्स क्या होती है, एम इंटू ए, कोई फोर्स होगी जो इसको वापस क्या कर रही है, यहां पे रिस्टोर करेगी कि नहीं करेगी, वो क्या है, एम ए। अब जब ये एम ए में आप एक्सेलरेशन बढ़ा दोगे, आपने क्या किया, एक्सेलरेशन बढ़ा दी, जब भी आप एक्सेलरेशन बढ़ाओगे तो उसी रेट से क्या बढ़ेगी, डिस्प्लेसमेंट, उसी रेट से क्या बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैंने 2 m/s² से एक्सेलरेशन बढ़ा दी, 2 m/s² की रेट से एक्सेलरेशन को बढ़ा दिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस साइड, ये वाली, ये भी 2 m/s 2 m बढ़ जाएगी, जिस रेट से एक्सेलरेशन बढ़ी थी उसी रेट से क्या बढ़ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आएगी नहीं? अब ये जो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, ये बढ़ेगी एक्सेलरेशन के ऑपोजिट साइड में, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस साइड को बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन इस साइड को बढ़ेगी। बात समझ आई कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं? यहां तक पहुंचाने वाला तो इसको है, यहां तक तो उसको एनर्जी मिल रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो कि नहीं फेंकते, कोई चीज जब भी आप ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट आता है ऐसा जहां जाके उसकी फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई है, जिस वेलोसिटी से आप उस चीज को भेज रहे हो ऊपर, वो जाके जीरो हो जाएगी कि नहीं? अब जिस पॉइंट पे जाके जीरो होगी, वहां से वो चीज नीचे आ रही है कि नहीं? अब जो नीचे आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आ रही है, तो एक्सेलरेशन ही कोई सी चीज को ऊपर से, जो चीज एक अपने एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है, उसके बाद उसको रिस्टोर करने के लिए किसकी मदद चाहिए होती है, हमारे को फोर्स की, यानी कि एक्सेलरेशन की। बात क्लियर है कि नहीं? तो यहां से यहां तक इसको कौन लाएगा, एक्सेलरेशन लाएगी, और अगर हमने एक्सेलरेशन बढ़ा दी 2 m/s² से, तो जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी रेट से बढ़ेगी, यानी कि वो भी कितनी बढ़ जाएगी, 2 m। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी सी बात समझ आई? इसी को क्या कहा जाता है, SHM।
यही क्या चीज है SHM, क्या बोलता है SHM कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस ऑफ एक्स के। अब ये जो डिस्टेंस है ये माइनस नहीं है, माइनस बेसिकली क्या हमारे को दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। कोई अगर राइट साइड को बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन आपकी राइट साइड को बढ़ रही है इस साइड को, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी इस साइड को बढ़ेगी। आपने 2 m/s² इधर को बढ़ाया, लेकिन जो आपकी डायरेक्शन क्या बोलते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 m इस साइड को बढ़ रही है। बात क्लियर है क्या? इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको हमने क्या बोल दिया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को? अब कुछ बातें करेंगे इनके बारे में। जब बॉब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है मीन पोजीशन। जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे है तो उसको क्या बोल देंगे हम, वो कहां पे है, मीन पोजीशन। और जब वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होता है, ये मान लो कि इसकी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। इनको क्या बोल देंगे हम, एक्सट्रीम पोजीशंस या फिर एक्सट्रीम पॉइंट। ये वाला भी क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट। यानी कि जो एक सिंपल पेंडुलम है उसके कितने एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90 degrees तक। यहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी कर सकता है, यहां तक कर सकता है कि नहीं कर सकता, 90 डिग्री तक इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। बात क्लियर है कि नहीं? इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? छोटी सी चीज थी, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब कुछ मैं अगर बात करूं मीन पोजीशन वगैरह की, कि मीन पोजीशन पे हमारे को एनर्जी क्या देखने को मिलती है, कैसे देखने को मिलती है। देखो, जब भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तब भी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। यहां पे बना देते चार्ट कि जब भी मीन पोजीशन होगा तो वहां पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, क्या लग रहा है, कौन सी एनर्जी काम कर रही है, वर्क पे कौन है। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी जब भी वो कहां है, मीन पोजीशन पे। बात समझ आई कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं? दूसरी चीज जब भी कोई फोर्स नहीं लगेगी तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, जब भी कोई फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। बात समझ आई कि नहीं? एक सेकेंड, मैं इसको रिपोर्ट भी कर लूंगा। चलो बात करते हैं। कोई भी फोर्स नहीं लगेगी मेन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन कैसी रहेगी हमारी, जीरो। फिर उसके बाद फोर्स नहीं लग रही लेकिन ये एक्सट्रीम पॉइंट तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब जब एक्सट्रीम पॉइंट तक जा रहा है यानी कि इसके पास क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम। इसके पास वेलोसिटी है, कोई ना कोई स्पीड है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब भी इसके पास स्पीड रहेगी या फिर वेलोसिटी रहेगी तभी तो ये क्या कर पाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। जब इसके पास वेलोसिटी होगी तभी तो ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंच पा रहा है, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बात क्लियर है कि नहीं? अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर क्या है, मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। बात क्लियर है कि नहीं?
काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। वहीं पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम इंटू जी इंटू एच, क्या है किसी सर्टन हाइट पे है, यहीं पे है। अभी तक तो ये डिस्प्लेस भी नहीं हुआ, जब डिस्प्लेस होगा तब जाके क्या पकड़ेगा, हाइट पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, तब जाके ये सर्टन हाइट पे होगा, लेकिन अभी इसके पास हाइट ही नहीं है, हाइट क्या है, जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, जीरो मिनिमम। बात क्लियर है कि? तो मीन पोजीशन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, मीन पोजीशन पे फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तभी वो एक एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच पाती है चीज। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी मैक्सिमम होगी। और वहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी जब भी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। ऐसे आप इस चीजों को याद कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स है जो मीन पोजीशन को दर्शाता है। बात क्लियर है कि नहीं? हेलो, बात क्लियर? बात क्लियर है कि नहीं? इतनी सी बात समझ आई? अब मैं बात करूं अगर एक्सट्रीम पोजीशंस की, अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सट्रीम पोजीशन की, इसमें आऊं शिफ्ट करो, यहां पे लिख लेते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स क्या होगी, कोई फोर्स होगी यहां पे मैक्सिमम, तभी ये क्या कर रहा है, वापस आ पा रहा है कि नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम, तभी ये क्या कर पा रहा है, वापस से रिस्टोर हो पा रहा है, ऐसा है कि नहीं। अब जो फोर्स इसको यहां पे एक्चुअली वापस लाती है उसको क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। यहां से अब ये चीजें पता होगी आपको, छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे कौन सी चीज एक्ट कर, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, वेट एक्ट कर रहा है, एमजी एक्ट कर रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर से टेंशन कर रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन कर रहा है। अब इधर वो कौन सी है, एमजी है, एक इसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो एमजी साइन थीटा क्या करता है बेसिकली, आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो रिस्टोर करवाता है। बात क्लियर है कि नहीं? एमजी साइन थीटा क्या करता है, रिस्टोर करवाता है वापस बॉब को उसकी मीन पोजीशन पे। बात क्लियर है कि नहीं? अब फोर्स यहां पे मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी भाई, मैक्सिमम। ये बात समझ आई कि नहीं? इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? इतनी सी बात समझ आ रही है कि नहीं? एक्सेलरेशन मैक्सिमम, यहां पहुंचते पहुंचते ये वापस क्यों आया, यहां पहुंच गया जब ये एक एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचा तो वापस क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी थी, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी यहां पे पहुंचते इसकी, जीरो, तभी क्या करना पड़ रहा है, इसको रिस्टोर करवाना पड़ रहा है। अब वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी किसके कुल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर ही जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, मिनिमम, जीरो। बात समझ आई कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं मैं तो एक सर्टन हाइट पे अब ये डिस्प्लेस हो चुका है कि नहीं, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, किसी हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई कि नहीं? तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि मीन पोजीशन पे आपके क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस पे एनर्जी किस टाइप की होती है, कौन सी मैक्सिमम होती है, कौन सी मिनिमम होती है, एक्सेलरेशन का क्या रोल, कब कितना रोल होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, बात करेंगे इनमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, छोटी छोटी चीजों की, सेकंड्स, पेंडुलम क्या होता है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, लेंथ का क्या असर पड़ता है आपके टाइम पीरियड पे, इन सब पे फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।